पानी तो बढ़ते बात है बढ़ते बात जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। नेपाल के जल ग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से जिले से होकर बहने वाली तमाम नदियों का स्तर बढ़ने लगा है। गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि सिकरहना, लाल बकेया और अन्य पहाड़ी नदियां अभी खतरे के निशान से थोड़ा नीचे हैं। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी से जलाशय होकर बहने वाली गंडक नदी का जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर है। जिला के कई प्रखंड क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंडक के पेट में बसे अरेराज और संग्रामपुर प्रखंड के कई गांव के रास्ते पानी में डूब गए हैं और आने जाने का साधन केवल नाव है, जबकि केसरिया प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। वहीं शुक्रवार को वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 4,32,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और गंडक नदी के आसपास के गांव के लोगों के लिए एडवाइजरी भी की जा रही है, क्योंकि गंडक बराज से छोड़ा गया पानी सुबह तक जिले के कई गांव में फैलने लगा था। जिला से होकर बहने वाली गंडक नदी का जल स्तर डुमरिया घाट में 62.58 मीटर है, जो 56 मीटर ऊपर है, जबकि चटिया में गंडक का जल स्तर 66.83 मीटर है, जो खतरे के निशान से 2.317 मीटर नीचे है। वहीं लाल बकेया नदी का जल स्तर गुआबारी में 69.60 मीटर है, जो खतरे के निशान से 1.52 मीटर नीचे है। सिकहरना नदी का जल स्तर लाल बेगिया में 59.10 मीटर है, जो खतरे के निशान से 4.95 मीटर नीचे है। लही बूढ़ी गंडक का जल स्तर अहिरौलिया में 53.30 मीटर है, जो खतरे के निशान से 6.32 मीटर नीचे है। वहीं गंडक नदी का जल स्तर बढ़ने से संग्रामपुर प्रखंड इजरा, नवादा, बिनटोली, बरियरिया, पुछरिया, भवानीपुर, मल्लाहटोली समेत कई गांवों का आवागमन ठप है, जबकि अरेराज प्रखंड के चटिया, सिकटिया, पांडेतोला और मननपुर समेत कई गांव पानी से घिर गए हैं। वहीं डुमरिया का दुबौलिया भी गंडक के बड़े जल स्तर से प्रभावित है। वहीं जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक ने बताया कि गंडक, सिकरहना, बूढ़ी गंडक, लाल बकेया नदियों के तटबंध की लगातार निगरानी का निर्देश सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दे दिया गया है। पानी के दबाव वाले जगहों पर फ्लड फाइटिंग की सारी तैयारी पूरी रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही गंडक नदी के आसपास के गांव के लोगों को ऊंचे स्थान पर शरण लेने के लिए कहा गया है और स्थानीय प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आपको बता दें कि मानसून के बाद अचानक आई इस हालत से किसानों की बची कुची फसलें भी डूब कर समाप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं, जिस कारण गन्ना तक के फसलों को भी भारी नुकसान हो रहा है। बारिश के साथ तेज हवा के कारण मैदानी इलाकों में लगभग तैयार हो चुकी धान की फसलों की भी काफी बर्बादी हुई है। गंडक बराज से जो है 4.5 लाख के करीब जो है क्यूसेक का पानी जो है छोड़ा गया है, जिसके कारण जो है दियारा एरिया है, तटबंध चंपारण तटबंध के अंदर वाला, वहाँ पे जल स्तर बढ़ रहा है। आपके माध्यम से मैं लोगों को अपील जरूर करूँगा जो दियारा क्षेत्र में रह रहे हैं कि वो तुरंत जो है सुरक्षित जगह पर ये कर बसे। संबंधित अंचलाधिकारी, संबंधित SDO को भी निर्देश दिया गया है कि जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस है आवश्यकतानुसार वो अपने अपने क्षेत्र में करेंगे। विशेष तौर पे जो केसरिया ब्लॉक है हमारा, पहाड़पुर, संग्रामपुर, इनको, कल्याणपुर, इसका जो दियारा क्षेत्र है इसको मॉनिटर करने की बहुत आवश्यकता है। तो चकिया SDO और अरेराज के SDO साहब, इनको भी डायरेक्शन इस संदर्भ में दिया गया है। लोगों को भी अनुरोध यही रहेगा, अगर किसी जगह पे पाइपिंग के या अन्य इश्यूज़ आपके नज़र में आते हैं, जैसे कि पूर्व में भी जो है चंपारण तटबंध एक बार ब्रीच हुआ था, तो उस तरीके की घटना ना हो तो हमको तुरंत अगर आप सूचना देंगे तो निश्चित जो है हमारे फ्लड फाइटिंग की जो जल संसाधन विभाग की टीम है वहाँ पे जाके रिस्पॉन्ड करेगी। धन्यवाद। क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं इसके लिए अभी तक? जो हमारा रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्लान जो है, कम्युनिकेशन प्लान जो है, ऑलरेडी जो है पब्लिक डोमेन में रखा गया था। इसके आलोक में जो है शेल्टर सर चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा भी अगर इन केस कम्युनिटी किचन शुरू करने की आवश्यकता पड़ती है, लोग अगर विस्थापित होते हैं
तो संबंधित अंचलाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी के वार्ता करके इसको शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही पॉलिथीन शीट्स अगर आवश्यकता है तो वो भी जो है वितरित किया जा सकता है। अभी जो है ADM आपदा की जो शाखा है वो इस पर अपना नियंत्रण रखे हुए है और वॉचफुल है। स्थिति सामान्य है या दिखाई दे रही है? स्थिति सतर्कतापूर्वक है, मतलब हम लोगों को कैजुअल भी नहीं रहना है, एट द सेम टाइम घबराना भी नहीं है, लेकिन सतर्क रहना है, वॉचफुल रहना है। कितने परसेंट जो हमारे अरेराज और चकिया सब डिवीजन के प्रखंड है, पहाड़पुर, संग्रामपुर, कल्याणपुर, केसरिया, जो गंडक नदी के किनारे बसे वहाँ पे ज़्यादा खतरा है इसका। सिकराना नदी जो है अभी भी जो है खतरे के निशान के नीचे ही है। थैंक यू। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।